आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज इफ 1 + x पावर n इज इक्वल टू c0 + c1x + c2x स्क्वायर अप टू cnx पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड गिवन c0 स्क्वायर अपॉन 1 + c1 स्क्वायर अपॉन 2 + c2 स्क्वायर अपॉन 3 एंड सो ऑन cn स्क्वायर अपॉन n + 1 This term's value is equal to lambda into 2n plus 1 factorial upon n plus 1 factorial whole square. Then we have to find the value of lambda. Can find? So, देखो ये question क्या बोल रहा है basically हमारे पास यहाँ पे बहुत basic सी चीजें ये दी हुई हैं। पहले तो हम लोग अगर समझें जो given term है, मतलब मेरे पास जो given है c naught square upon 1 plus c1 square upon 2 plus c2 square upon 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक गया है ये सी एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन तक। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो मैं ये बोल सकता हूँ इसको ये बेसिकली क्या है समीशन दिया हुआ है। ठीक है, समीशन किस फॉर्म में है, समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन। ठीक है, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन बोल सकते हैं सी एन सी आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर प्लस वन। क्लियर है ये? ठीक है, क्योंकि देखो आर की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये सी नॉट स्क्वायर बाई वन हो जाएगा, टू रखोगे तो आर की वैल्यू वन रखोगे तो सी वन स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, टू रखोगे तो सी टू स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा एंड सो ऑन। ये एन रखेंगे तो सी एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन चलता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन। ये जो सी आर स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं सी आर इंटू सी आर। ठीक है, सी आर इंटू सी आर लिख सकते हैं। अच्छा, ये सी आर का मतलब क्या होता है, सी आर मतलब बेसिकली होता है एन सी आर। ठीक है, एन सी आर होता है इसका मतलब अपॉन में आर प्लस वन लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ इसमें एक एडिशनल हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, मतलब एक एडिशनल चीज़ हम करें, देखो क्या कि एन प्लस वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, एन प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब अगर मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब हम लोग एन प्लस वन एक जो लिखा हुआ है इसको आर प्लस वन के साथ ले लेते हैं। ठीक है, एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन ले लिया और एक एन सी आर को ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और इनटू एक एन सी आर को अलग रहने देते हैं। ठीक है, एक एन सी आर हमारा ये अलग रह दे हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और वन अपॉन में एन प्लस वन एक एक्स्ट्रा जो है वो इसमें बच जाएगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर इसको क्लियरली देखोगे, अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें ध्यान से तो वन अपॉन एन प्लस वन, तो क्योंकि एन तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म तो बाहर हो जाएगा। अब हम इसको देखें तो वन अपॉन एन प्लस वन को बाहर ले लेते हैं। इसको बाहर लेते ही यहाँ पे ये क्या बचा, अच्छा एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू एन सी आर जो लिखा हुआ है ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है बेसिकली एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ठीक है, और एन सी आर में भी एक मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं, क्योंकि ये बात पता होगी कि एन सी आर जो कहीं पर भी लिखा हुआ है वो किसके इक्वल होता है, एन सी आर इज इक्वल टू, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सिंस एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एन सी आर को लिख रहे हैं एन सी एन माइनस आर। ठीक है, ये भी इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये समीशन इसमें है पहले से। ठीक है, कोई बात नहीं, समीशन भी है ये। ठीक है, नाउ अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये वन अपॉन एन प्लस वन तो बाहर ले लेते हैं, वन अपॉन एन प्लस वन को बाहर लिख सकते हैं समीशन के, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और ये एन प्लस वन सी आर प्लस वन मिला और ये क्या मिल गया एन सी एन माइनस आर। ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है कौन सा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर आर प्लस वन। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर आर प्लस वन,
किसमें इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x^n + 1, ठीक है, n + 1 + x^n + 1 जो होगा उसके एक्सपेंशन करेंगे तो x^i + 1 का कोफिशियंट है ये। और ये दूसरा वाला टर्म जो लिखा हुआ है ये वाला, ये क्या है, ये है बेसिकली कोफिशियंट ऑफ x^n - r इन 1 + x^n। 1 + x^n का एक्सपेंशन करोगे तो उस पर x^n - r जो होगा उसका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों टर्म का प्रोडक्ट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है ये क्या है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब इसको इस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो मैं बोल सकता हूँ कि ओवरऑल ये जो लिखा हुआ टर्म है ये क्या है, कोफिशियंट ऑफ x^r + 1 एक ले लो, ठीक है, r + 1 हो गया इंटू x^n - r हो गया इन किसमें 1 + x^n + 1 इंटू 1 + x^n, ठीक है। तो ये निकल गया, नाउ सिंप्लीफाई करोगे अगर तो इसको हम लोग अगेन क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट देखोगे तो कोफिशियंट ऑफ x^, देखो पावर तो ऐड हो जाती है तो r - r कैंसिल हुआ, बचा x^n + 1 इन किसमें 1 + x^, एक जगह n + 1 है एक जगह n है, तो ये हो जाएगा 1 + x^2n + 1, ठीक है। अब 2n + 1 में x^n + 1 का तुमको क्या निकालना है, कोफिशियंट, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसका कोफिशियंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफिशियंट होगा 2n + 1, ठीक है, c n + 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो फर्दर, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 2n + 1 अपॉन फैक्टोरियल n + 1, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 2n + 1 - n + 1, ठीक है। तो ये केवल बचेगा n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल बचेगा यहाँ, ये आ गया। अच्छा ध्यान से अगर देखोगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन हम इवनिंग में हम लोगों ने लिया था, तो यहाँ पे ये पावर n+1 जो है 1/n+1 बाहर एक्स्ट्रा था, तो ये वाली चीज़ भी जो होगी वो क्या होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, मतलब कि ये वाली चीज़ भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होनी है। तो ओवरऑल हम लोग ये बोलेंगे कि वन, ये तो आ गया हमारा कोफिशियंट, ठीक है, बट जो क्वेश्चन है फाइनली उसमें 1/n+1 भी था समेशन के बाहर, तो 1/n+1 को जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें पूरे टर्म में, तो 1/n+1 फैक्टोरियल में 2n+1 अपॉन n+1 इंटू एन आ जाएगा फैक्टोरियल। अच्छा ये फैक्टोरियल n जो लिखा हुआ है ये n+1 और फैक्टोरियल n मिल करके फैक्टोरियल n+1 बना लेंगे, तो 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल ओवरऑल, या तो फिर हम इसी को बोल सकते हैं 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। और क्वेश्चन में अगर देखोगे तो हमारे पास जो प्रूफ करना था, मतलब वैल्यू निकालनी थी, ये इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन जो हमारे यहाँ, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू दी हुई है लैम्डा इंटू 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, तो लैम्डा मतलब क्या, 2n+1 फैक्टोरियल के साथ न्यूमरेटर में क्या टर्म दिया हुआ है, तो ध्यान से अगर देखो तो ये 1 × 2 है, ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइनली क्या आ गई कि लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आई होप कि आंसर समझ में आ गया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।